नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 12th क्लास के छात्रों का ध्यान दें कि हम जो हमारे गद्य खंड को पढ़ रहे हैं, इसमें हमने 10वां लेसन पढ़ लिया था भय का, 11वां पढ़ लिया था हमारे बाजार दर्शन का, और अब 12वां लेसन है ये मजदूरी और प्रेम नाम से है। पाठ का नाम मजदूरी प्रेम है। जो आपको बता दो इसकी विधा यानी क्या है, ये उपन्यास कहानी लेखन में जैसे यात्रा बता दें क्या है, इसकी बात करें मजदूरी और प्रेम जो है ये निबंध शैली में लिखा गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, निबंध कहलाएगा। लेखक कौन है हमारे, सरदार पूर्ण सिंह है, सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। तो सरदार जो पूर्ण सिंह हमारे इसके लेखक हैं, इन सरदार पूर्ण सिंह का हमें जिक्र करना है, ये इन्हें लेखक के साथ साथ में सहृदय इंसान है, मतलब कि भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, और इसमें आपको जिक्र मिलेगा कि ये अपने निबंधों में भावनाओं को लेकर पहले लेखक बने गए हैं, और हृदय इतना कोमल है कि प्रत्येक जीव की भावनाओं को समझ सकते हैं और एक अच्छा तरीका कि उस भावना को हमें सदस्य कर सकते समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मजदूरी और प्रेम को, तो मजदूरी क्या होती है और प्रेम का इससे क्या संबंध है, इन सब बातों को पढ़ेंगे हम इस लेसन में। सरदार पूर्ण सिंह का आज पढ़ लेते हैं हम लेखक परिचय, ठीक है। तो लेखक परिचय देखिए, सबसे पहले बात करें इसके जन्म की, तो जन्म का मैटर ऐसा है कि जब भारत एक ही देश था, उसके बाद उसका आदेश पाकिस्तान बन गया, भारत का ही एक पार्ट है ये हम जानते भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का नाम लेते ही आज हमारे दिल दिमाग में पता नहीं एक अजीब सी भावना जन्म ले लेती है कि पाकिस्तान का नाम लेते हमें मरने मारने लड़ाई की ही बात सोचती है, जबकि इंसानी और इंसानी हम हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक शिकारी पर दो तोते हैं, एक तोता कहता है आओ साहब बैठो साहब कुछ खाइए पीजिए इस तरह से, दूसरा तोता कहता है कि आइए, जैसे वो बोलता है कि आ गया है इसे पकड़ लो इसे लूटो इसे मारो। तो तोता जो है दोनों प्रकृति में तो सेम ही है, लेकिन जो एक तोता है वो रह गया है ऋषि महात्मा के पास, दूसरा चला गया है किसी शिकारी के पास, और शिकारी के पास जो तोता है वो तो यही कहेगा कि कोई आ गया है इसे पकड़ लो इसे लूटो इसे मारो, और जो सन्यासी के पास होता हो तो कहे कि आइए बैठिए जल ग्रहण कीजिए। तो कहने का मतलब संगति का असर पड़ता है। तो बात करें कि बुराई, तो ऐसा नहीं कि भाई हमें बुराई नहीं, बुराई सब पे होती है, तो मैं इस टॉपिक को आपको ज्यादा उस वे में नहीं ले जाना चाहता, मैं इतना मानता हूँ कि आज यहाँ पे पाकिस्तान लिखा था मैंने, तो पाकिस्तान लिखते ही दिमाग करता कि पाकिस्तान की कमी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सरदार पूर्ण सिंह है, जब इनका जन्म हुआ 1881 में, उस समय ये भारत में तो थे, लेकिन आप जानते 1947 में जब वो पार्ट है पांच ला गया पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तो आज अगर जब पुस्तकों में इनका कुछ छपता है टीका छपता है बातें छपती है, तो इनका जन्म स्थान तो कौन सा कहलाएगा आज, क्योंकि उस टाइम तो भारत था लेकिन ये अभी एबटाबाद हम वर्तमान में कहें पाकिस्तान में है, तो ये संशय वाली बात नहीं है। इनका जन्म एबटाबाद पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान में किस समय हिंदुस्तान में था, ठीक है। वह इनका जन्म 1881, ठीक है, और 1881, और जयपुर के वासियों को या जयपुर के बच्चों में थोड़ा अवगत करा दो, अगर इसमें हम 100 साल जोड़ते हैं तो 1981 हो जाता है। 1981 में आपके जयपुर शहर में, जयपुर जिले की बात कर लो, भयंकर बारिश हुई थी और जयपुर में बाढ़ आई थी, ठीक है, और इसमें एक ही याद रह जाएगा आपको ना, तो 1981 में आपके जयपुर में बाढ़ आई है, बहुत भयंकर प्रलय हुआ था, सोडाला नाम की जो जगह है बिल्कुल लबालब, क्योंकि सोडाला जो है खड्डे में थोड़ा सा ना पूरा भर चुका था, मानसरोवर भी लबालब था, ऐसा मैंने तो खैर 1981 में भी नहीं था, आपके पापा उसके उस टाइम छोटे हों जो भी है उम्र में, तो 1981 में आपके जयपुर में बाढ़ आई थी, और 1981 में ही एक घटना और हुई थी, जो नीम का थाना शहर है और सीकर जिले में नीम का थाना, वहां पर दिन में ही रात हो गई थी, तो दिन में रात तो होने का मतलब है कि सूर्य ग्रहण हुआ था, और उस ग्रहण की पहले से सूचना लग गई थी जो साइंटिस्ट होते हैं उनको, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वहां आकर के उस सूर्य ग्रहण को अपने जो होते हैं वो यंत्र जो भी ग्रहण को देखने के उनसे देखा भी है, तो वो भी एक स्पेशल डेट है कि नहीं था शिखर में दिन में रात होने का दृश्य उस क्षेत्र में उस पर सब जगह देखा गया था, तो वो वहां पे थोड़ा सा लगा हुआ, वो सूर्य ग्रहण छोड़िए आप 1981 याद रखें और 1881 याद रखें जो इस तरह का मिलता है। तो इनका अभी एबटाबाद पाकिस्तान में, लेकिन जब जन्म उस टाइम हिंदुस्तान में थे, और सरदार पूर्ण सिंह है इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है
उस समय तो रावलपिंडी और लाहौर ये दो जगह हैं जो आज उत्तर पाकिस्तान में ही है। तो देखिए रावलपिंडी जो है ये जगह का नाम है और एक क्रिकेटर है पाकिस्तान का, उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस की संज्ञा देते थे। हालांकि आजकल के बच्चे नहीं जानते कि रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते थे। शोएब अख्तर के नाम से एक खिलाड़ी था, शोएब अख्तर काफी लंबे बाल थे, काफी एक अच्छे खिलाड़ी थे वो, ठीक है। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस से उनकी बॉल इतनी फास्ट आती थी, सचिन और गांगुली के समय वो बॉलर थे, ठीक है। रावलपिंडी को याद रख लें कि रावलपिंडी जगह है, लाहौर भी एक जगह है, ठीक है। लाहौर का तो गानों में भी जिक्र आता है, एक मोड़ आया उन्होंने छोड़ा है ना गाने, लाहौर एक। हालांकि पहले ये कैसे कहते हैं कि हमारे भारत में जो पंजाब है उसका एक पार्ट था, लेकिन बाद में ये भी चला गया है कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो रावलपिंडी और लाहौर में हमारे सरदार ऊधम सिंह ने क्या लिए, शिक्षा प्राप्त की है। और शिक्षा प्राप्त करके क्या किया आपको बता दूं, ये शिक्षा प्राप्त करके जो रसायन केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होती है ना, तो उसके विशेषज्ञ बने और वहीं पे टीचर काम किए उन्होंने। और ये जो सरदार ऊधम सिंह है ये शिक्षक बन के इन्होंने जिंदगी जी है। तो शिक्षक लगभग सभी क्षेत्रों के गुणों को जानता है, शिक्षक प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी को समझ लेता है, एक और कैसे जीता है। बाकी अलग प्रोफेशन वाला व्यक्ति क्या करते हैं, डॉक्टर उनको डॉक्टरी में ही ध्यान रहता है, या वकील का वकील उस चीज़ का, या माँ बाप अपने दिमाग में ही उसका ध्यान रहता है। पर टीचर जो होते हैं ना उसको लगभग सभी जीवन का सभी समाज को ताजा देखता है वो। तो ये अकाउंट पर शिक्षक बन के रहे हैं और लेखक बहुत अच्छे रहते हैं, इसे ध्यान रखना। तो जानते के बाद क्लियर उसको आता है कि हिंदी साहित्य में भावात्मक निबंध, तो ये जो ये तो हमारा कंपल्सरी हिंदी नॉर्मल है, एक होता है हिंदी साहित्य उसमें भावात्मक निबंध का जिक्र नहीं था, लोग लिखते नहीं थे भावात्मक निबंध। तो भावात्मक निबंधों को अगर हिंदी साहित्य में को लेकर आने वाला है तो सरदार ऊधम सिंह है जो उनको जन्मदाता कहते हैं, कि हिंदी साहित्य में भावात्मक निबंध लिखने के जो जन्मदाता हैं, जनक हैं, वो कौन है, ये हमारे सरदार ऊधम सिंह हैं। फिर है कि उत्कृष्ट गद्यकार भी थे, गद्य यानी कि जो कहानी खंड होता है, गद्य खंड होता है, उसमें जो रचना होती है वो स्पेशली लिखते थे, उत्कृष्ट उत्कृष्ट बहुत शानदार तरीके से लिखते थे। इनके छह निबंध है, ये हमारे एग्जाम में आएंगे, आपको मैंने देखा है कर्मशील डाल रखा है। एक प्रश्न आएगा कि आपको मजदूरी प्रेम शीर्षक पाठ के लेखक सरदार ऊधम सिंह का कवि परिचय दीजिए, उसको लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में आपको ना इनका ये लिखने के बाद इनका भी चित्र करना पड़ता है ना, पूरा क्वेश्चन उसका क्वेश्चन का ही मान के चले। ऐसे में देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, इनका मैं आपको निबंध याद करा दूँ। कुछ बच्चे जो क्लासेस ले रहे हैं तो आए थे, उनको बताया था, जो नियम वो सुन लीजिए कि सच्ची वीरता इनका पहला निबंध है, ठीक है, सच्ची वीरता। और अब जानते सच्ची वीरता किसे कहते हैं, सच्ची वीरता हम सब के अंदर होती है, लेकिन हम बस वही है कि हम अपने अपने क्षेत्र को संपूर्ण तरीके से करें, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी वीरता है आपको दिए गए जो कार्यों से बखूबी करें। मैं टीचर हूँ तो मान लीजिए मैं अपने तरफ से पूरा का पूरा ज्ञान आपको देने का प्रयास करूँ। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपना कार्य अगर कर्म से तन से मन से करता है, कर्मार्थ वही कह सच्ची वीरता कहलाती है, ठीक है, आज की तारीख के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर है कन्यादान, कन्यादान का मतलब एक इनका निबंध है बस लिखा इन्होंने। तो कन्यादान में क्या होगा कि कन्या जो हमारे भारतीय संस्कृति में कन्याओं को माता देवी कहकर पुकारा जाता है, गृहलक्ष्मी कहकर पुकारा जाता है, उसका दान कोई पिता करता है तो फिर सामने वाले को धन दौलत रुपये से मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा दान कन्या का दान होता है, एक बाप के द्वारा अपने बेटे को दूसरे को सुपर्द किया जाता है, दिया जाता है इसे, तो वो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा दान है तो फिर वो बाप हो गया जिसने बेटी का कन्यादान किया है, अपने बेटी का दान दिया है। और दान को एक्सेप्ट करने वाला जो लड़का है उसका पिता होता है, उसे इस कन्यादान करने वाले पिता का ताउम्र ऐसा मानना चाहिए, लेकिन मानते कहाँ हैं, उसका उल्टा है हमारे समाज में कि जिसकी बेटी हम ले आते हैं तो हम उस पर एहसान करते हैं, हमें वो एहसान कर दिए, जो कि गलत है, ठीक है। तो हमें संबंधों में रिश्तों में मिठास रखनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे का। चलिए कन्यादान में एक निबंध देता, तो पहली बात सच्ची वीरता है, और सच्ची वीरता क्या है, कन्यादान करना अच्छी ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। कन्यादान करना सच्ची वीरता है और उस कन्या की रिस्पेक्ट करना भी हमारी वीरता है। और ये जो कार्य होता है कन्यादान को बड़ी पवित्रता साथ में होता है, प्योरिटी साथ होता है, ऐसा नहीं कि उसमें छल कपट होता है, सीधी स्वतः पवित्रता साथ होता है। और फिर पवित्रता अगर है तो आचरण की सभ्यता अपने आप ही आ जाती है। सच्ची वीरता है अपना काम जो आपको दिया तन मन धन से करें, और एक बड़ा काम है कन्यादान का काम, और कन्यादान का काम बड़ी पवित्रता के साथ किया जाता है। और जो व्यक्ति पवित्रता का परिपालन करता है उसका आचरण भी कैसे होता है, सभ्य होता है, सीधी सी बात है, ट्रिक बन चुकी है। उसके बाद आप जानते हो
कि आचरण की सभ्यता जो करता है ना, वो व्यक्ति अपना भरण पोषण करने के लिए जो मजदूरी करता है उस मजदूरी को प्रेम के साथ करता है, लगन के साथ करता है। और ये सारी बातें एक विदेशी व्यक्ति, इसका नाम है अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट व्हिटमैन, ये एक अंग्रेजी लेखक का नाम है। तो इस व्यक्ति ने अपने वहां अमेरिका के उसमें मान लीजिए स्टेम लिखी है। तो हमें तो सिर्फ इतना है कि सरदार कौन सिंह ने जो 6 निबंध लिखे हैं उनके सिप्रिक्स हमें याद रखनी चाहिए। सच्ची वीरता, किसी इंसान की सच्ची वीरता क्या होती है कि अपने काम को कर्मठता के साथ करना और कर्मठता के साथ में करना। और फिर दान, तो दान में आया है कन्या का दान सबसे बड़ा दान है, वो कन्यादान बड़ी पवित्रता के साथ भी किया जाता है। और पवित्रता जिसकी होती है वो व्यक्ति आचरण कैसा करता है, सभ्य आचरण करता है। और सभ्य आचरण करने वाला व्यक्ति अपनी मजदूरी जो काम करता है उसमें प्रेम के साथ करता है। ये सारी बातें अमेरिका का मस्त जोगी था वॉल्ट व्हिटमैन, उसने अपने इतिहास में लिखी है। यही है इनके 6 निबंध की दास्तान। और इनका जो निधन है 1931 में हुआ था, 1931 में इनका जो निधन हुआ था, और महात्मा गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। ठीक है, इस बात को जानते हैं, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, और अब इसका जो शेष भाग है आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और आप सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। एग्जाम पास में आने वाले हाफ ईयर लिए टेस्ट हो जाएंगे वापस, और हाफ ईयर भी है फिर की बोर्ड एग्जाम है। सो प्लीज ट्वेल्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स सीरियस होकर टॉपिक को पढ़ें, एक भी मिनट वेस्ट ना गवाएं। ठीक है, धन्यवाद।